जैन समाज के पदाधिकारी सदस्यों और समाजजन ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग कर मामले की न्यायिक जांच कर आरोपियों की जल्द धरपकड़ कर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की। देश भर में पैदल बिहार करने वाले जैन संतों की सुरक्षा के लिए कारगर कदम उठाए जाने की गुंज बासुदा कर्नाटक में कुछ दिन पहले जैन संत का अपहरण कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में जैन समाज के सदस्यों, पदाधिकारी और समाज के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम विजय राय के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आज हमारे महामुनिराज कुमार नंदी महाराज जी का कर्नाटक के थोड़ी गांव में हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या की गई है, जिनका हम पुरुष वर्ग ही नहीं महिला वर्ग भी घोर निंदा करते हैं कि अशोभनीय अपराध है। जिसने भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं और यही हमने शासन प्रशासन से गुहार करी है। अभी तो हम महिला मोर्चा, महिला मंडल जो हमारा जैन समाज का है, वह इस बात का विरोध कर रहा है। फिर हम यहाँ से प्रदेश और राष्ट्र स्तर तक भी जाना पड़े, जब तक हमारे मुनिराज सुरक्षित नहीं रहेंगे हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम सिर्फ अभी गुहार लगाने आए हैं और हम हो सकता है इसको आंदोलन का रूप दे दें यदि उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई। जय हिंद जय भारत। आज हम सभी लोग जो एकत्रित हुए ज्ञापन देने, मामला है हमारे परम पूज्य आचार्य गुरुवर राम कुमार नंदी महाराज, जो कि कर्नाटक के चिक्कोड़ी ग्राम में चातुर्मास कर रहे थे, उनकी किसी तत्वों ने अपहरण करके निर्मम हत्या कर दी है। इसके साथ ही हम ये मांग करते हैं कि हमारे साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। हमारे ही नहीं, सभी साधु संत जो हिंदू समाज के हैं, सभी साधु संतों की सुरक्षा की व्यवस्था शासन करे। जैन समाज के साधु किसी से बैर भाव नहीं रखते, चाहे मित्रों या शत्रु, सब पर समानता का व्यवहार रखते हैं, भाव रखते हैं। तो हम ये मांग करते हैं अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करने से डरे। हमारे भारत देश में जो भी शांति प्रिय देश है, जो विश्व का नेता कहा जाने वाला है, आज के समय में ऐसे देश में ऐसा पाप का काम ना हो, ये हम सब जैन समाज गंजवासुदा, सकल जैन समाज गंजवासुदा की मांग है। जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।